हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी आलू और हरे मटर की चाट बनाना। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसे मैं एकदम अलग तरीके से बनाऊंगी, तो आइए देख लेते हैं। हरी मटर की चाट बनाने के लिए यहाँ हमने क्या क्या लिया है। ये हमने 4 आलू लिए हैं जिनको हमने उबाल कर छील लिया है। मसालों में हमने यहाँ 2 हरी मिर्च जिसको हमने काट लिया है, 1 टुकड़ा अदरक जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है, लाल नमक आधा छोटी चम्मच, सफ़ेद नमक, जीरा पाउडर आधा छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर आधा छोटी चम्मच से कम, जीरा, धनिया पत्ती, आधा मूली जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है, आधा गाजर जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है, आधा कटोरी हरी मटर जिसको हमने उबाल लिया है हल्का सा, 2 बड़े चम्मच तेल, हरी धनिया की चटनी, दही जिसको हमने फेंट लिया, एकदम ताज़ा दही है, अमचूर की चटनी, ये मीठी चटनी है, और ये चाट मसाला। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने ये आलू लिए हैं। इन आलूओं को मैं तोड़ लूँगी, बड़ा बड़ा तोड़ूँगी, काटना नहीं है। इस तरीके से हम आलू तोड़ लेंगे। ये देखिए, हमने आलू तोड़ लिए हैं। तो अब हम गैस ऑन करेंगे और आलूओं को फ्राई करेंगे। तो देखिए, यहाँ हमने गैस ऑन कर दी है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा तेल, 1 चम्मच के लगभग। तेल को गर्म होने देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे ये जीरा। भून लेंगे हम जीरा को। जीरा चटक गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्च। थोड़ी सी हरी मिर्च हम बचा लेंगे। अदरक और हरी मिर्च भुन गए हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। भून लेंगे। इसके बाद ये जो हमने आलू लिए हैं वो डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। और 3 से 4 मिनट स्लो गैस पर हम इनको भूनेंगे, आलूओं को। तो देखिए, आलूओं को हमने भून लिया है। आलू हमारे थोड़े कुरकुरे से हो गए हैं और अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने एक दोना लिया है, आप चाहें तो प्लेट भी ले सकते हैं। अब हम इसमें आलू परोसेंगे।
आलू के बाद फिर हम डालेंगे इसमें मटर। अब हम डालेंगे इसमें अमचूर की मीठी चटनी। इसके बाद हम डालेंगे दही। इसके बाद हम डालेंगे हरी धनिया की तीखी चटनी। और अब हम डालेंगे हरी मिर्च। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर और डाल सकते हैं। नमक, याद रहे नमक हमने आलूओं में डाला था, तो नमक हम स्वाद के अनुसार ही डालेंगे, लाल नमक। अब हम इसमें डालेंगे गाजर, जो हमने गाजर कद्दूकस की है वो डाल देंगे। और ये हमने जो मूली कद्दूकस की है मूली को डाल देंगे। अगर आप प्याज खाते हैं तो आप प्याज भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरी धनिया पत्ती। इसके बाद हम डाल देंगे जीरा पाउडर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारी आलू और हरी मटर की चाट बनकर तैयार है। ये बहुत ही स्वादिष्ट चाट बनी है, तो इसे आप एक बार अपने घर पर जरूर बनाइए और फिर बताइए कि हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे जल्दी से लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।